गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गाइज यार आज का डे बहुत ही एक्साइटिंग है, बड़ी जगह जाना है यार शनाया। अभी जा रहे हैं हम लोग लंच पे, फिर हमने जाना है मिक्का पाजी के यहाँ। तो गाइज यार आज हमको इनवाइट किया है मिक्का पाजी ने अपने घर पे, तो भैया आप आओ हमारे घर पे और वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन। अभी हमें नहीं पता है हम वहाँ पे क्या क्या करने वाले हैं और अभी वहाँ पे हमारा क्या क्या कंटेंट शूट होने वाला है, बट लेकिन बहुत मजा आने वाला है यार। आज फर्स्ट टाइम मिक्का बाजी के यहाँ जा रहे हैं, क्या लग रहा है कितना मजा आएगा? ऑफ कोर्स बहुत मजा आएगा यार, वी आर सुपर एक्साइटेड। यस यस यस, साडे पंजाबी भरा मिक्का बाजी। एंड आपको पता है दलेर मेहंदी जी से भी हम मिले थे एंड दे आर ब्रदर्स अनन्या, और अलग ही प्रोग्राम चल रहा है। ये जा रही है पहले बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पार्टी के गिफ्ट इसने तैयार कर लिए हैं। हम जा रहे हैं फैमिली लंच पे, ये हमें बाद में हम इसको पिक करेंगे तो हम जाएंगे मिक्का बाजी के। मुझे निकलना है, तुम मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ। ये भाई साहब बहुत जल्दी में और सब हम लोग सब तैयार हैं। रियली एक्साइटिंग डे यार, बहुत ही मजा आने वाला है। हेलो हेलो हेलो, मैं जा रहा हूँ, महेश भैया जाएंगे। चलिए चलिए, आप मैंने बोल दिया है, बोल देता हूँ उनको, आप चलिए चलिए। तो गाइस यार हम अब जा रहे हैं फैमिली लंच पे, मिलते हैं आपसे वहाँ पर। सलाम साहब। अरे वाह गाइस, हमारा ड्राइवर कैसी ड्राइविंग करते हैं कमेंट करके जरूर बताना। पूरी दिल्ली वानिया, ठीक है ना, गल्ला मार देने। तो गाइस यार फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारे लंच के डेस्टिनेशन पे, अनन्या बर्थडे पार्टी पहुंच गई है और हमारी फैमिली यहां पे हमारी वेट कर रही है। तो गाइस यार पूरी फैमिली आ चुकी है, लंच चालू है और इसने पूरा रगड़ा दे रखा है। तो गाइस यार फाइनली हम निकल चुके हैं मिक्का बाजी के फार्म पे जाने के लिए। नाने कैसी रही बर्थडे पार्टी? बहुत अच्छी थी। गिफ्ट क्या मिला, गिफ्ट तो दिखा। ये नील है, नील्स। अच्छा जी, तो गाइस रिटर्न गिफ्ट मिल गया है क्योंकि गिफ्ट मिलना हमको बहुत अच्छा लगता है। अब हम ऑल सेट गाइस, एक्साइटेड। यस वी आर कमिंग। तो गाइस यार फाइनली हम पहुंच गए हैं वे टू मिक्का सिंह फार्म हाउस। इनका बड़ा सही सिस्टम है गाइस, यहां पर हमें आगे जाना पड़ेगा, पहले यहां से आना है और फिर यहां से प्राइवेट बोट चलती है, मतलब उन्होंने एक छोटी सी बोट रखी है क्योंकि बोट से ही जा सकते हैं। नदी पार करनी है, नदी पार करके मिक्का सिंह के फार्म पे जाना है हमें। तो ये यहाँ पर हमारी पार्किंग हो जाएगी और वो उधर सामने बोट है। तो गाइस यार फाइनली हम पहुंच गए हैं, एवरीबॉडी इज हियर और ये है यहाँ पे सारी मिक्का बाजी की कार्स खड़ी हैं, उनके सारे गेस्ट खड़े हैं और ये है वो नदी जो हमें पार करनी है, ये बोट दिख गई है और इधर हमारी टीम आ गई है। हाँ जी, ऑल सेट ऑल सेट ऑल सेट। तो गाइस यार अब बस हम और थोड़ी सी देर फिर फाइनली पहुँच जाएंगे घर से, 1.5 घंटा लगा है हमें यहाँ पहुंचने में और अब आगे देखो कितनी देर लगती है। तो गाइस यार बोट आ गई है हमारी, हमने जाना है इस बोट में। ये देखो इसने लोअर ऊपर कर लिया जैसे कि पानी में गिर जा रहा है इसलिए। ओके तो फाइनली हमारी बोट राइड शुरू। यार मतलब एक पूरा मिशन है मिक्का बाजी के फार्म पे जाना। अच्छा बनाया है यार, वेरी टेस्टी यार, बहुत बढ़िया सिस्टम, मजा आ गया। गाइस यार मिक्का बाजी का फार्म हाउस पूरा 100 एकड़ जमीन है, यहाँ पे 100 एकड़, 12 एकड़ में फार्म है, बाकी पेड़ वेड़ बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं गाइस और हमारी टीम पूरी सेट है, फर्स्ट टाइम आया है यहाँ पर, पता नहीं यहाँ पे क्या क्या है। Really excited to see क्या क्या बनाया हुआ है पाजी ने। तो भैया चलो श्यान तेरी पैंट नीचे हो गई। अरे अब पैदल थोड़ी आना था, तूने तो पैंट ऐसे ऊपर कर ली थी। चलो भैया let's see। तो guys ये है एंट्री, ये हमारा वेलकम करने के लिए काउ खड़ी है और इधर मोर काउस और इधर मिक्का पाजी के हॉर्सेस, ये सारे घोड़े हैं और ये हमारा वेलकम कर रही है। सियान हेलो बोल दे। डर रहा। चलो जी, तो गाइस यार अलग अलग तरह से सीटिंग्स बनाई हैं, झूला
स्विमिंग पूल के ना चेस जा रही है और वो फ्लोट कर रही है ऊपर। हाँ ये फ्लोर ऐसा लग रहा है लेकिन ये पानी नहीं है, ये फ्लोर है। तो गाइस इधर शुरू हो चुका है, ये उनकी टीम खड़ी है। तो गाइस यहाँ पर वो देखो वो डॉगी बैठा है, इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे। जाओ ना नहीं है। और ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, हम आपको अभी थोड़ी देर में पूरा दिखाएंगे। अभी चलो, अभी हमें वहाँ नहीं जाना क्योंकि ये इनका कॉटेज है। अब पता नहीं रहने वाला कौन सा है, वो बड़ी सारी कॉटेजेस बनी है यहाँ। चलो देखते हैं अभी आगे क्या क्या है। गाइज यार थैंक यू पाजी मिक्का पाजी के नाल असी आज पूरा दिन बिताया, मज़ा आ गया। ही इज अ सो नाइस एंड हम्बल पर्सन, मतलब तीन चार घंटे हो गए ने इन्होंने एवे सानू ट्रीट किया कि वी आर पार्ट ऑफ हिज फैमिली। तो जी मैं मेकअप करना पहला हेलो गाइस मिक्का सिंह एंड मुझे बड़ा चंगा लगा रमनीक सिंह 13 फैमिली के नाल मैं अज है। बहुत ही प्यारी फैमिली है, सारे बहुत ही पॉपुलर बच्चे भी ने और पाजी भी सारे पॉपुलर ने। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू पाजी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस, वी लव यू, थैंक यू। Later that same evening. तो गाइस यार अब रात हो चुकी है, कुछ दिख नहीं रहा है बिकॉज ये फार्म हाउस है, तो फार्म हाउस में पूरा अंधेरा है और मतलब रात इतनी हो गई है तो इतनी लाइटिंग यहाँ नहीं होती है। बट यार मिक्का बाजी के साथ पूरा दिन आपने देखा, हम दिन में आए थे और रात हो गई है, तो कैसा रहा, मजा आया? बहुत मजा आया। और नेक्स्ट टाइम आके हम आपको डिटेल में यहाँ की चीजें समझाएंगे, दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे। अंदर भी हमने डॉगी कोई बात नहीं हट जाएगा गाइस, अंदर भी हमने इतने मजे करे बट अंदर बिकॉज ऑफ शूट हमारा कैमरा अलाउड नहीं था, वी कुडंट शूट यू। हम वहाँ पर ज्यादा आपको दिखा नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली कुछ वो एक सीक्रेट शूट हुआ है, वो भी आपको किसी दिन डिटेल में आएगा हमारा, बट अभी हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको दे नहीं सकते। बट बहुत ऑसम डे था यार, बहुत मजा आया। एंड अब हम वापस जा रहे हैं अपनी बोट से वहाँ पहुँचेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया यार। तो गाइस यार अब हम बोट में बैठ चुके हैं, पूरा अंधेरा है आसपास, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेट है। तो गाइस यार फाइनली घर पहुंच गए हैं, मिक्के पाजी के साथ तो बहुत मज़ा आया। बट हम घर आए हैं तो घर में ये ब्यूटीफुल सी डॉल्स हमारी वेट कर रही हैं। तो डॉल आपका नाम क्या है? रुबाब। ये डॉल की मामा और दूसरी डॉल का क्या नाम है? नुबानी। तो गाइस यार थैंक यू सो मच, इतना प्यार करते हैं और इनको तो आप जानते ही होंगे, कई बार ही हमारे घर आते ही रहते हैं कनाडा वाले। तो थैंक यू सो मच, आ जाओ तुम भी, ये भी हमारे घर में ही रहते हैं, ये भी, ये लोग भी हमारे घर में रहते हैं। शनाया आप भी घर में रहते हो, तो इस साइड आ जाओ, फाइनल बाय करने आए हैं, कैनेडियंस आर गोइंग बैक। और ये डॉल्स भी स्पेशली हमसे मिलने आई हैं। तो गाइस चलो थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया यार, आज पूरा दिन बहुत ही मस्त निकला और एंडिंग भी स्पेशल हो गई, स्पेशली दीज टू ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ। तो थैंक यू सो मच। तो आपने मिलाया ही नहीं, तो रह गया। हेलो बोल दे, हेलो ईश्वर तो मिल गया है, ये मिल गई थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हिट लाइक करना और माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियो देखते रहना। बाय, थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनबॉक्सिंग ऑफ माय मिस अनंत गिफ्ट्स वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 ब्लॉग्स पे। मेरा गिफ्ट तो सबसे अच्छा था, अरे सबका सेम था, वीडियो देखने के लिए क्लिक बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।